धन रोटी को जब जब मैं देता हूँ तब याद आता है तेरा वचन। इस पावन रोटी को जब जब मैं देता हूँ तब याद आता है तेरा वचन। मैं तेरे साथ रहूँगा, मैं तेरे साथ रहूँगा। याद आता है तेरा वचन। मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। आराधना हो, आराधना हो प्रभु तेरी आराधना। तब याद आता है तेरा वचन। पापों का भारी बोझ जब मेरे मन को दबाता है तब याद आता है तेरा वचन। मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। पावन रोटी को जब जब मैं देता हूँ तब याद आता है तेरा वचन। मैं तेरे साथ रहूँगा, मैं तेरे साथ रहूँगा। आराधना हो, आराधना हो प्रभु तेरी आराधना। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्रभु यीशु की
आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्रभु येसु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्रभु येसु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। आइए क्रिसमस में प्यारे भाइयों बहनों, हम आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें जिसने हमें यह सौभाग्य प्रदान किया कि हम उसकी आराधना स्तुति एवं महिमा कर सके। अपने मन को शांत करते हुए, अपने आप को उस मुक्तिदाता ईश्वर को समर्पित करते हुए जिसने अपने प्राणों की आहुति देते हुए हमें अपने पापों से मुक्ति प्रदान करने के लिए कितना दुख सहा, और वही प्रभु आज हमें इस पवित्र रोटी के माध्यम से पुकारता है। और जब हम उसकी उपस्थिति में रहते हैं तो आइए हम अपने आप को प्रभु को दंडवत करते हुए पूरे साल के लिए जो प्रभु ने हम पर आशीष बरसाई है, जो हमें प्रदान किया है, जो वरदान प्रभु ने हमें, हमारे परिवार को, हमारे रिश्तेदारों को, हमारे कार्यों को दिया है, हम उसके लिए प्रभु को धन्यवाद दें। इस आराधना भक्ति में आइए हम आत्मदर्शन परिवार के साथ मिलकर ईश्वर के अनुपम वरदानों के लिए धन्यवाद दें। आज हम सभी यहाँ एकत्रित होते हुए प्रभु से पाए गए सभी वरदानों के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हमारे धर्माध्यक्ष, हमारे सभी पुरोहितगण, सभी पुरोहित भाई बहन, सभी सिस्टर्स को और आत्मदर्शन परिवार से जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति को जिन्होंने अपने योगदान द्वारा इस परिवार को प्रभु की योजना के अनुसार चलने के लिए मदद की है। हम कुछ क्षण मौन रूप से उन तमाम भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो हमारे बीच में नहीं है। इस आराधना भक्ति में हम प्रभु को धन्यवाद दें उन तमाम लोगों के लिए जो इस वर्ष हमसे जुड़े हैं, जिनके द्वारा ईश्वर ने हमारे जीवन में प्रेम लाया है, शांति लाई है, एवं ईश्वर के उपकारों को हम ग्रहण करते हुए अपने आप को इस आराधना भक्ति में प्रभु को समर्पित करते हुए आने वाले समय के लिए प्रार्थना करें और बीते हुए पल के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु से पाए गए सभी वरदानों के लिए उसको धन्यवाद देते हुए, यहाँ प्रभु तूने हमारे जीवन में चमत्कार दिखाए हैं। यह साल तूने हम सभी के लिए एक बड़ा साल लेकर आया है प्रभु। तूने हमें जीवित रखा है प्रभु, हम उसके लिए तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारे परिवार को तूने शुद्ध करके रखा है प्रभु, हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं। पूरे दिल से उसको गाते हुए, उसको भजते हुए उसको धन्यवाद दें। योग्यता से बढ़ के लिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता
मांगने से ज्यादा मिला मुझे आभारी हूँ प्रभु मैं मांगने से ज्यादा मिला मुझे आभारी हूँ प्रभु मैं धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा प्रभु धन्यवाद देते हैं आज शाम के लिए इस समय के लिए प्रभु इस वक्त हमारे दिल में प्रभु वही भावना उमड़ रहे हैं जो आपसे चंगाई पाए उन 10 कोढ़ियों जैसे था प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं गत 1 साल के लिए ये हमारा 2रा साल रहा कि जब हम आत्मदर्शन परिवार इस छोटे से झुंड के साथ एवं हजारों लाखों प्रभु आपके झुंड के साथ आपकी स्तुति की आराधना की प्रभु हम सभी आपकी महती योजना के हिस्सा है प्रभु हम नहीं जान पा रहे थे लेकिन तेरी योजना में सब कुछ एकदम क्लियर था साफ था प्रभु धन्यवाद देते हैं कि जिस तरह आप हमारे द्वारा इस सेविकाई को आगे बढ़ाते ही जा रहे हैं नए लोगों को हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं और विश्वास के डोरी में समूचे उत्तर भारत को बांधने में हमें कामयाबी देते जा रहे हैं प्रभु हम क्यों ना आपको धन्यवाद देते रहें हमारी मन की भावनाओं को विशेष रूप से प्रभु हम इस आराधना भक्ति में जब 1 साल बीत रहे हैं एवं एक नए साल की शुरुआत हम कर रहे हैं इस छोटे से झुंड के साथ में एवं सैकड़ों हजारों लाखों की संख्या में जो आपको प्रभु आत्मदर्शन के द्वारा सुन रहे हैं देख रहे हैं अनुभव कर रहे हैं उनके साथ मिलकर आपको धन्यवाद देने का ये शुभ अवसर के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं अभी हम संत लूकस के सुसमाचार से वचन सुनेंगे तत्पश्चात हम लोग प्रभु के वचन पर मनन करेंगे संत लूकस अध्याय 17 वचन संख्या 11 से 18 10 कोड़ी ईसा यरूशलेम की यात्रा करते हुए समारिया और गलीलिया के सीमा क्षेत्रों से होकर जा रहे थे किसी गांव में प्रवेश करने पर उन्हें 10 कोड़ी मिले जो दूर खड़े हो गए और ऊंचे स्वर से बोले ईसा गुरुवर हम पर दया कीजिए ईसा ने उन्हें देखकर कहा जाओ और अपने को याजकों को दिखलाओ और ऐसा हुआ कि वे रास्ते में ही निरोग हो गए तब उनमें से एक यह देखकर कि वह निरोग हो गया है ऊंचे स्वर से ईश्वर की स्तुति करते हुए लौटा
वह ईसा को धन्यवाद देते हुए उनके चरणों पर मुंह के बल गिर पड़ा, और वह समारी था। ईसा ने कहा, क्या 10 निरोग नहीं हुए? तो बाकी के 9 कहाँ है? क्या इस परदेशी को छोड़कर और कोई नहीं मिला जो लौटकर ईश्वर की स्तुति करे? तब उन्होंने उनसे कहा, उठो जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। संत लूकस इस कोढ़ियों के दृष्टांत से ना सिर्फ प्रभु के वचन की शक्ति, बल्कि उसके साथ साथ हमें कैसे हमारे जीवन में कृतज्ञता के साथ में प्रभु के सम्मुख आते रहना है, उसको हम सबको अवगत कराते हैं। हे प्रभु, हम इस साल के अंतिम पलों पर हैं, कुछ ही क्षण में इस साल समाप्त हो जाएगा, और प्रभु आपकी कृपा से हम एक नए साल की शुरुआत करेंगे। मोल तोल की इस दुनिया में प्रभु, हर वक्त हम अक्सर हम मोल तोल करते रहते हैं। इस साल के ये अंतिम पलों में हम जरूर ये मनन करते हैं प्रभु जी, कि हमारे किस्से में क्या आया, क्या हमने खोया, क्या हमने हासिल की। प्रभु जब हम सारे गणित लगाते हैं प्रभु जी, धन्यवाद के सिवा हमारे दिल से और कोई शब्द नहीं है। हमने ही यह कहते हैं कि हमारी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही रही, हमारी जिंदगी में बीमारियां भी रही, दुख भी रहा, मृत्यु भी रही, जीवन भी रहा, सी भी रही, खुशियां भी रही। जोड़ तोड़ करके हम कहीं से भी देखे प्रभु, आपको धन्यवाद देने के सिवा हमारे पास में और कोई उपाय नहीं रह गया है। प्रभु धन्यवाद देते हैं तहे दिल से। 10 कोढ़ियों में 9 कोढ़ी प्रभु यहूदी थे, 1 गैर यहूदी था। प्रभु हम नहीं जानते हैं कि हम इन दोनों के बीच में कहां पर आएंगे, लेकिन जरूर ये जानते हैं प्रभु कि इस वक्त हमें आपको धन्यवाद देने के लिए अनेक चीजें हैं। एक सेविकाई के रूप में, एक विशेष रूप से आपसे अनुग्रह पाए हुए लोगों के रूप में, और विशेष रूप से प्रभु आपके दास दासियों के रूप में। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं वही भावना से जो 10 में 1 निरोग जो हुए हैं, उसी की वही भावना से प्रभु हम आपकी ओर दौड़े चले आते हैं। जस्ट टू से यू थैंक यू। प्रभु हमारे साथ में जुड़े हर एक व्यक्ति के साथ में, फादर गॉड वी वुड लाइक टू से थैंक यू। प्रभु अनेक लोग हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे अनेक परिवार हमसे जुड़े हैं। लॉर्ड वी जस्ट वुड लाइक टू से थैंक यू।
जैसे हमारा जीवन रहा, प्रभु उन सभी के जीवन में भी प्रभु खुशियां रही, दुख भी रहा, बीमारियां रही, चंगाइयां भी रही, जीवन रहा, मृत्यु रही, प्रभु सब कुछ रहा। और उनके साथ में प्रभु हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। इस वक्त हमसे जुड़े हर एक व्यक्ति प्रभु दिल से आपको थैंक यू कहना चाहते हैं। थैंक यू जीसस। उन तमाम लोगों के साथ में प्रभु हम आपको सिर्फ यही कहना चाहते हैं, थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। खुशियों के लिए थैंक यू जीसस। दुखों के लिए थैंक यू जीसस। बीमारियों के लिए धन्यवाद जीसस। चंगाई के लिए थैंक यू जीसस। जीवन के लिए थैंक यू जीसस। मृत्यु के लिए धन्यवाद यीशु। नए जीवन के लिए धन्यवाद यीशु। हमारे जीवन में हुए सभी कार्यों के लिए धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। 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 वही गीत को हम फिर से दोहराते हैं। जो कोई इस आराधना में हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, आपके दिल में भी वही प्रार्थना रहे, वही भावना रहे कि प्रभु सबके लिए आपको धन्यवाद। हो सकता है हमारे किस्से में काफी दुख भी आया हो, फिर भी हम हमारे प्रभु को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हमारा प्रभु जो है वो पक्षपात नहीं करता है। हाँ यीशु। और सारी चीजें मेरी अच्छाइयों के लिए परिणित करने वाला मेरा परमेश्वर है। हाँ प्रभु जी। सबों के साथ मिलकर प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद यीशु। सब चीजों के लिए हम आपको धन्यवाद। हमारे जीवन के हर एक क्षण के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। नए लोगों को हमारे जीवन में जुड़ जाने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सभी चीजों के लिए प्रभु तुम्हें लाख लाख धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा।
धन्यवाद देने के लिए लाखों चीजें हैं प्रभु, उन सबको समेटते हुए हमारे दिल से निकली ये प्रार्थनाएं प्रभु आपके चरणों में समर्पित है। प्रभु आपकी स्तुति हो, प्रभु आपको धन्यवाद। धन्यवाद देना कितना अच्छा है। हम हर एक व्यक्ति को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमारे लिए कुछ किया हो, और इस समय में प्रभु मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद यीशु, क्योंकि आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है प्रभु। हाँ यीशु, आज हम यहाँ उपस्थित हैं, ये सबसे बड़ा साक्ष्य है प्रभु। ये आपकी कृपा है कि हम सभी यहाँ उपस्थित हैं प्रभु। 2020 से कोरोना का प्रकोप प्रभु सभी मानव जाति के ऊपर पड़ा, और उसका प्रभाव हमने इस साल में भी देखा प्रभु। आंखें नम थी, दिल टूटे हुए थे, सब लोग बिखर गए थे। हमारे आसपास हमने मृत्यु देखी, ना केवल आसपास बल्कि हमने हमारे परिवार में भी मृत्यु को बहुत ही नजदीकी से महसूस किया। हाँ यीशु, हे मेरे प्रभु, इस क्षण में हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। जिस प्रकार आयुब ने कहा, प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, ये मनोभाव हम में भी आ जाए प्रभु। और इस क्षण में प्रभु हम सभी मिलकर आपको धन्यवाद देना चाहते हर एक बात के लिए जो हमारे साथ अच्छा हुआ, जो हमारे साथ बुरा हुआ इस कोरोना काल में प्रभु। प्रभु सभी बातों के लिए, सभी आशीषों के लिए आपको दिल से धन्यवाद। धन्यवाद यीशु। हाँ मेरे प्रभु, आपको दिल से धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। स्वर्ग से सभी कृपाओं और वरदानों को बरसाने वाले हे प्रेमी पिता, आज धन्यवाद करते हैं आत्मदर्शन परिवार के लिए और इसके हर एक सदस्यों और उनके परिवार के लिए, हमारे सभी दर्शकों और उनके परिवार के लिए धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। इन सभी परिवारों को प्रभु के सानिध्य में रखते हुए हम धन्यवाद देते रहें। थैंक यू जीसस। हर एक परिवार के लिए हम प्रार्थना करें संत योसेफ, माँ मरियम और बालक यीशु के पवित्र परिवार के संरक्षण के लिए हम प्रार्थना करें कि हे प्रभु, इस पवित्र परिवार का संरक्षण हर एक परिवार को प्राप्त हो। हाँ यीशु। इस पवित्र परिवार का सानिध्य, अनुग्रह और आशीष हर एक परिवार में वास करे।
हाँ यीशु, हे प्रभु, तेरी आशीषों से हर एक परिवार में तेरा प्रेम, आनंद और शांति का आगमन हो, इसके लिए हम प्रार्थना करें और प्रभु को धन्यवाद दें। करता प्रभु धन्यवाद तेरा, तूने जो दिया मेरे लिए दिया। करता प्रभु धन्यवाद तेरा, तूने जो धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो, आपकी आराधना हो यीशु। हर एक आशीष, हर एक कृपा के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद यीशु, आपने जो आत्मदर्शन टीवी प्रोग्राम्स के द्वारा भरपूर आशीष और कृपाएं बरसाई है प्रभु, उन सभी के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद यीशु। रेडियो गार्डन की सफलता के लिए धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। मेघा कैरल सिंगिंग कंपटीशन के लिए धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। हमें सपोर्ट करने के लिए आगे आए हुए लोगों के लिए धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। योजनाएं तो मनुष्य बनाता है, लेकिन उससे पूरा हमारा खुदावन यीशु करता है। हमारी योजनाओं पर अपनी भरपूर आशीष प्रदान करने के लिए तुझे तहे दिल से शुक्रिया खुदावन यीशु। शुक्रिया यीशु। चाहे वो डेली मासेस हो, अडोरेशंस हो, रिट्रीट हो, ऑनलाइन काउंसलिंग्स हो, सभी में प्रभु आपने अपनी आशीषें इतनी भरी हैं प्रभु कि कईयों ने आपको महसूस किया है, कईयों ने आपकी चंगाइयों को ग्रहण किया है। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। करता प्रभु धन्यवाद तेरा, तूने जो दिया मेरे लिए दिया। करता प्रभु धन्यवाद तेरा, तूने जो दिया मेरे लिए दिया। करता प्रभु धन्यवाद तेरा। थैंक यू जीसस। प्रभु तमाम दर्शकों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, जो हमारे आत्मदर्शन से जुड़े लोग हमारे दर्शक नहीं होते, वो हमारी सेविकाएं के हिस्सा हैं, हमारे परिवार के, बृहद परिवार के सदस्य हैं। हमने किसी को अभी ऐसा देखा नहीं, लेकिन प्रभु विगत 2 साल से बहुत दूर रहते हुए भी हम सबको प्रभु अनेक घरों का सदस्य बनाए हैं। प्रभु, ये आत्मीय बंधन प्रभु हमें आपकी अनुग्रह एवं आशीष उनके लिए बरसने के लिए प्रार्थना करने को मजबूर करते हैं। हमारे परिवार के सदस्य समान उन तमाम लोगों को प्रभु हम प्रार्थना में आपकी ओर उठाते हैं, ना सिर्फ इस वक्त, हर रोज। जो विशेष प्रार्थनाएं, रिक्वेस्ट प्रभु हमें जो करते हैं प्रभु, उन तमाम लोगों के लिए बड़े दूर से ही प्रभु आपके सम्मुख हम
करबंद प्रार्थना करते हैं यही विश्वास के साथ में प्रभु, कि तू सुनने वाला ईश्वर है, कान देने वाला ईश्वर है, जिंदा परमेश्वर है। और यही विश्वास प्रभु हमें उनके साथ एक मधुर रिश्ता में तब्दील किया है और हम उनके साथ जुड़े हुए हैं। तमाम परिवारों को हम समर्पित करते हैं। इनमें अनेक लोग प्रभु निरंतर हमारे से प्रार्थना करते हैं कि हम लोग उनके लिए मध्यस्थता करें। हम करते हैं प्रभु, और इस वक्त विशेष रूप से प्रभु हम उन तमाम प्रार्थनाओं को भी प्रभु इस वक्त आपकी ओर उठाते हैं। निसंतान दंपतियों के लिए, लाइलाज बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए, और इस प्रकार नशे के बंधन से, अनेक प्रकार के बंधन से प्रभु बंधित लोगों को प्रभु आपकी ओर उठाते हैं, उठाते रहे हैं। अनेक लोगों को प्रभु तूने चंगाई की है और बंधन से छुटकारा प्रदान किया है। उनके जीवन में प्रभु आपने अपना अनुभव दिया है। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। प्रभु हमारे इस मधुर रिश्ता के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद जिनके लिए प्रभु आपके वचनों को हम बांटते हैं बहुत सुंदर तरीके से, और उससे ज्यादा प्रभु आपके प्रति जो जुनून है प्रभु हम उनके साथ बांटने में कामयाब हुए हैं। प्रभु इस वक्त हम आपको धन्यवाद देते हैं हर एक विश्वासी के लिए जो प्रभु के वचन को हमारे द्वारा आत्मदर्शन के द्वारा सुनते हैं, अनुभव करते हैं। प्रभु सभी के लिए प्रभु आपको कोटि कोटि धन्यवाद। Thank you, Jesus. Tarita Prabhu, dhanyavaad tera, tune jo diya mere liye diya. Tarita Prabhu, dhanyavaad tera, tune jo diya. जीसस धन्यवाद प्रभु यीशु तेरे असीम आशीषों के लिए, तेरे उपकारों के लिए जो तूने इस परिवार पर बरसाई है। तूने वह तमाम भाई बहनों को प्रेरित किया है जिन्होंने हमें आत्मिक और आर्थिक सहायता प्रदान की है। हमारे सभी अनुप्राण दाताओं के लिए प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने अपने पूंजी में से इस परिवार को सहायता प्रदान करने के लिए अपने आप को योग्य समझते हुए प्रभु इस कार्य को करने के लिए वे आगे बढ़े और उन्होंने हमें आर्थिक सहायता प्रदान की है। धन्यवाद देते हैं प्रभु उन तमाम भाई बहनों के लिए जिन्होंने अपने परिवार के खर्चों को कम करते हुए इस आत्मदर्शन चैनल को प्रभु जो तेरी महिमा के लिए है उसके लिए योगदान दिया है। धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद यीशु। उन तमाम भाई बहनों के लिए जो अपनी पॉकेट मनी से, अपनी सैलरी से प्रभु हर महीने, हर साल कुछ ना कुछ योगदान इस परिवार के लिए करते हैं, इस चैनल को बनाए रखने के लिए करते हैं, उन तमाम भाई बहनों के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु। तेरी योजना इतनी अपरंपार है, इतनी असीम है कि प्रभु उन लोगों को तू हमेशा नियुक्त करता है कि वह तेरे कार्य को कभी रुकने ना दे। आमीन। तेरे कार्य को चलते रहने के लिए तू लोगों को प्रेरित करता है प्रभु, हम उसके लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तू उन तमाम भाई बहनों के परिवारों पर अपनी आशीष बरसा प्रभु। हम हमारे इस चैनल के माध्यम से प्रभु कुछ भी नहीं कमाते हैं, लेकिन हमारे भाई बहन इस कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए, इस चैनल को आगे बनाए रखने के लिए वे आर्थिक रूप से जो सहायता करते हैं उसी के द्वारा हम प्रोग्राम्स और कई सारी सफलताएं को प्राप्त करते हैं।
उन तमाम सफलताओं को प्रभु हम तुझको अर्पित करते हैं और उनके लिए धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, प्रभु धन्यवाद तेरा, तूने जो दिया मेरे लिए दिया। करता प्रभु धन्यवाद तेरा, तूने जो दिया मेरे लिए दिया। करता प्रभु धन्यवाद तेरा। प्यारे प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं हमारे सभी दर्शकों के लिए, जिनके लिए आत्मदर्शन उनके परिवार का एक अभिन्न अंग बन चुका है, जो हमारे आध्यात्मिक कार्यक्रमों में भाग लेते समय या फिर हमसे जुड़े रहने के उपरांत उन्हें आध्यात्मिक, शारीरिक व मानसिक बल और चंगाइयों का उन्होंने अनुभव किया। आज क्यों ना हम उन सब के साथ मिलकर प्रभु के पवित्र नाम का साक्ष्य दें। आइए प्यारे विश्वासियों, हम उन सबों के साथ मिलकर प्रभु को इस वक्त धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं, उसके लिए हम गीत गाएं। थैंक यू जीसस। प्रभु धन्यवाद तेरा, तूने जो उन्हें चंगा किया। करता प्रभु धन्यवाद तेरा, तूने जो उन्हें चंगा किया। करता प्रभु धन्यवाद तेरा। हे यीशु हमारे प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, विशेष करके प्रभु हम धन्यवाद देते हैं तेरे सेवक सेविकाओं के लिए, पुरोहितों और धर्म बहनों के लिए, जिन्हें तूने चुना और नियुक्त किया है यीशु। विशेष करके हम उन सभी पुरोहितों और धर्म बहनों के लिए धन्यवाद देते हैं जिन्हें तूने इस आत्मदर्शन परिवार के साथ मिलाया प्रभु, और इस आत्मदर्शन के द्वारा अपनी महिमा उनके माध्यम के द्वारा प्रकट किया प्रभु। हे प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं निवेदन आराधना के द्वारा, मध्यस्थ प्रार्थना के द्वारा, रिट्रीट के द्वारा, मिस्सा बलिदान के द्वारा। तूने यीशु लोगों को स्पर्श किया और उन्हें मुक्ति प्रदान किया प्रभु, उन्हें चंगाई प्रदान किया। यह तेरा कार्य है प्रभु, इसीलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद यीशु। करता प्रभु धन्यवाद तेरा, तूने मुझको ये वरदान दिया। करता प्रभु धन्यवाद तेरा, तूने मुझको ये प्रेमी पिता, मैं आपको विशेष रूप से धन्यवाद देती हूँ हमारे आत्मदर्शन परिवार के लिए, जिसमें हमारे क्रू मेंबर्स, हमारे सहायक स्टाफ एवं वे सभी जो हमें भौतिक व आध्यात्मिक रूप से बढ़ने व पोषित करने में सहायक है। धन्यवाद प्रभु जी कि आपने हम सबों को
अपने उत्कृष्ट वरदानों के द्वारा सुसमाचारीकरण का हिस्सा बनाया। धन्यवाद यीशु। साथ ही प्रभु, मैं उन सभी लोगों के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ जो प्रत्यक्ष रूप से न दिखते हुए भी अपने समय की परवाह किए बिना इस मिशन कार्य में पूरा योगदान अपने पूर्ण कौशल से देते आ रहे हैं। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। धन्यवाद सभी लोगों के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद तेरा, तूने मुझको ये वरदान दिया। करता प्रभु धन्यवाद तेरा, तूने मुझको ये वरदान दिया। करता प्रभु धन्यवाद तेरा। थैंक यू जीसस। हर एक चीज के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु आत्मदर्शन से जुड़े हर एक चीज के लिए हम आपको धन्यवाद दिया। हमारे हर एक सेविकाइयों के लिए हम आपको धन्यवाद दिया। प्रभु इस वक्त हमारे निजी जीवन में प्रभु आपने दिए सभी वरदानों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे परिवारों के लिए, हमारे परिजनों के लिए, हमारे अपनों के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। बहुत विकट परिस्थिति थी विगत एक साल प्रभु, मार्च अप्रैल मई महीने में प्रभु जी हमने बहुत कुछ अनहोनियों को हमारे जीवन में देखा है। हमारे जीवन में लोगों की चले जाने का दुख भी हमने झेला है प्रभु। प्रभु सभी को हम आपके चरणों में रखते हैं प्रभु जी, आपकी महती योजना के प्रभु हिस्सा उन सब को हम मानते हैं प्रभु। प्रभु धन्यवाद देते हैं चंगाइयों के लिए जो हमारे जीवन में आपने प्रदान की है। हम जानते हैं प्रभु हमारे ही आत्मदर्शन में हम प्राय सभी लोग बीमार पड़ गए थे। प्रभु आपने हम सबको सर्वप्रथम चंगाई प्रदान की ताकि हम लोग प्रभु आपकी वचनों को लोगों तक पहुंचाने में कामयाब हो सके प्रभु। हाँ यीशु। और इसी प्रकार अनेक लोगों ने प्रभु अपने जीवन में प्रभु जी आपके चंगाई को अनुभव किया है। अनेक लोगों ने अपने जीवन में वापस प्रभु आपसे मिली उस प्रेरणा से, शक्ति से वापस आए प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हम सबको इसके लिए इस्तेमाल किया प्रभु जी। विकट परिस्थितियों में भी प्रभु हमें प्रभु आशा प्रदान की और इस आशा के साथ में हम अनेक लोगों तक प्रभु आपकी उस उम्मीद को पहुंचाने में कामयाब रहे प्रभु। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। इस प्रकार हमारे प्रभु हर एक व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रकार के वरदानों से प्रभु आपने विगत एक साल हमको नवाजा है प्रभु सबके लिए। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। हम कुछ पल प्रभु को देखते रहें, अपने हृदय से प्रभु को धन्यवाद देते रहें। हाँ प्रभु, हम कुछ ही पल में प्रभु नए साल में प्रवेश करने वाले हैं। 2022 नई उम्मीदों का साल, लेकिन साथ ही साथ अनिश्चितताओं का भी साल। जब 2021 की शुरुआत हुई थी हम नहीं जान पा रहे थे कि इस साल कैसे गुजरेगा। काफी कठिन रहा प्रभु हम सबके लिए।
प्रभु प्रार्थना करते हैं कि आने वाले साल 2022 हरेक व्यक्ति के लिए अनुग्रह का समय रहे, आशीष का समय रहे, चंगाई का समय रहे, बरकत का समय रहे, तरक्की का समय रहे। प्रभु प्रभु इस वक्त हमसे जुड़े तमाम लोगों को हम समर्पित करते हैं, हमारे परिवार को, परिजन को, हर एक व्यक्ति को हम समर्पित करते हैं प्रभु जी। यही प्रार्थनाओं के साथ में कि आने वाले साल प्रभु हम सब के लिए अनुग्रह का समय रहे, प्रभु कृपा का, प्रभु नए आशीषों का प्रभु समय रहे, ताकि हम 2022 के अंतिम पलों में भी प्रभु आपके सम्मुख उपस्थित होकर आपको धन्यवाद दे सके तहे दिल से। प्रभु प्रभु प्रार्थना करते हैं इस वक्त हम सबको देखने वाले हर एक व्यक्ति को प्रभु आपका अनुग्रह मिले, आशीष मिले, कृपा मिले प्रभु जी। आने वाले साल प्रभु उन्हें किसी भी प्रकार की हानि से बचाए रखे, बीमारियों से प्रभु उन्हें मुक्त करे, चंगाई प्रदान करे प्रभु, अनुग्रह प्रदान करे प्रभु, बरकत प्रदान करे प्रभु, उनका जीवन में प्रभु आपकी आशीष बढ़ते जाए। डबल शेयर ऑफ द ग्रेसेस लॉर्ड वी आस्क, हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु आपका अनुग्रह, कृपा प्रभु, शांति, और विशेष रूप से उन तमाम परिवारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो निरंतर हमारे से प्रार्थना की गुजारिश करते रहते हैं प्रभु जी। उनके जीवन में प्रभु आपको अनुभव करने का, कि ये विश्वास करने का कि आप जीवित परमेश्वर, ये वक्त बने, ये साल बने प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम सभी अपनी प्रार्थनाओं को रखने के साथ साथ हमारे दिल की ख्वाहिशों को भी प्रभु के चरणों में रखें, विश्वास के साथ में कि 2022 मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए आशीष का, अनुग्रह का, चंगाई का, बरकत का साल बनेगा। विश्वास के साथ में हम इस नए साल में प्रवेश करें और प्रभु का आशीष इस वक्त ग्रहण करें। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, धन्यवाद करूंगा।
खुशी मुझको मेरे यीशु के साथ अन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको प्रभु का धन्यवाद करूँगा उसकी संगति